स्वागत है आपका फिर से डी ओ सी राघव्स के अंदर। तो आज का ये व्लॉग है हमारी, हमने नई दुकान ली है करौल बाग में, और तो आज उसकी ओपनिंग है, उसका हम सामान लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे या फिर दिखाएंगे, कुछ भी मान लो। पूजा है, पूजा करेंगे, नवरात्रि का पहला दिन है तो हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं और करौल बाग में है, और पूरा एड्रेस हम आपको वहाँ दे देंगे। दुकान के मालिक ये हैं। नहीं, मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक तो हमारा ईश्वर है, हम उनके नौकर हैं, वो जैसे बिठाएंगे हम बैठ जाएंगे। हाँ, माता रानी की कृपा से आज स्टार्ट कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे अभी दुकान पे। अभी हमने भी नहीं देखी है, बस इन्होंने देखी है, अब हम दोनों पहली बार जा रहे हैं और अभी आपको भी दिखाएंगे और सामान भी लगाएंगे। सामान भी लगाएंगे अभी, मतलब अच्छी तरह से नहीं है, पर यह नवरात्रि की वजह से हम आज ही ओपनिंग कर रहे हैं। और नवरात्रि तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, मेरी तरफ से भी हैप्पी नवरात्रि, हमारी तीनों की तरफ से हैप्पी नवरात्रि सभी को। पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी दुकान में करौल बाग की, आप हमारी दुकान का नज़ारा देख लो। और यह झाड़ू पोछा सफाई अभियान चल रहा है, ये हमारी दुकान थोड़ी बाहर से माल अंदर हमारा पैक पड़ा है, अभी थोड़ा सा माल है, अभी और आएगा, अभी और आएगा, सफाई करके फिर इसको लगाएंगे, फिर और मंगाएंगे। और ये हमारी दुकान का टूर, यहाँ चल रहा है सफाई अभियान। ये देखो भाई, हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। ओ ये निशान, हेलो हेलो, बाय बाय। ये यहाँ पे सजाई चल रही है। और कुछ बाहर से ऐसे समझ में आ रहा ना, धीरे धीरे समझ आएगा कहाँ क्या करना है। कोई बात नहीं, देखने दे। हमारी दुकान की माता रानी की एक रबड़ मिल गई, दे दी यहाँ तो एक रबड़ बड़ी मिल गई। अरे इनकी भी निकाल लेना, इन कबरों की, इनका क्या करना है, तिलक अच्छा यही लगा है। अच्छा अभी तेरा लगा
कैमरा खा के बोल जाते हो हमारी पूजा वूजा संपन्न हो के फ्री हो के लाल हो गया हाँ जी अभी देखो अभी तो खाली है डिस्प्ले नहीं अभी तो यहाँ कुछ नहीं मेरी वीडियो बनाई हाँ ये बच गए अभी तो माल आएगा ये तो अभी हम कल ऐसे ही दे आए थे थोड़ा सा दिखे हल्का फुल्का क्या है ना जो भी आएगा वो एक पेटी एक खाने में आती है 10-12 पेटी में और लगा के अपना यहाँ सामान है अभी ये 9 दिन है इधर का वो है 9 दिन के बाद देखिए गाइस अब इनकी मस्ती शुरू हो चुकी है क्योंकि पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हुआ था और उसके बाद ये बच्चे ने देखो क्या इनकी मतलब ये मस्ती शुरू हो जाती है ये तो जहाँ मतलब मौका मिलता है वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों का तो यह पर इनके बिना मन भी नहीं लगता है बात ये भी है अगर ये बच्चे मस्ती ना करें ये थोड़े बहुत मजाक ना करें तो फिर बोर हो जाता है इंसान इसीलिए इनकी मस्ती भी मैंने थोड़ी बहुत दिखाई मैंने कहा चलो देखेंगे अब आपको भी पता लगना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने शैतान है और हमने आज ओपनिंग की है करोल बाग में हमने शॉप ली है और उस वहाँ पे हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट नवरात्र था इसलिए हमने उसी दिन ओपनिंग की है और थोड़ा बहुत हमने जो भी इंजॉय करा या जो भी हमने कार्यक्रम करा हमने आपको दिखाया है अभी आगे भी देखते हैं लेकिन इन बच्चों की मस्ती मैंने इसलिए दिखाई है मैंने कहा इससे क्या है आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट होगा ये बड़े अच्छे खुश थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था जब ये लोग खेल रहे थे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं देखिए उधर आगे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट उधर से ये बैक साइड है हमारी शॉप जो है वो काफ़ी बड़ी है तो पीछे बैठने की भी जगह है जैसे कोई मतलब गेस्ट भी आ जाए या मतलब जैसे लेडीज़ हैं हम लोग आ गए थे पूजा के लिए तो हम लोग अंदर बैठ गए थे भी आगे सामने जो है ये सामने फ्रंट अलग है और पीछे बैक साइड का थोड़ा पोर्शन है जहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं खा पी भी सकते हैं आराम से कोई थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं तो ऐसी कोई वो नहीं है हमें पसंद आई है शॉप हमने फर्स्ट टाइम देखी है इसलिए कल क्योंकि अब बार बार क्या देखते हैं हमने कहा ओपनिंग में ही देख लेंगे भाई जिसको करनी है समझ तो उसको होनी चाहिए वो देखना उन्होंने देखी है बस सही है हमें पसंद आ गई अच्छी लगी हमें और अब धीरे धीरे माल भी भर रहे हैं उसमें देखो थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था हमने तो अब कल तो डिस्प्ले किया है अभी इतना माल आ नहीं पाया था क्योंकि शॉप वगैरह लेट खुली थी हम लोग जल्दी आ गए थे सुबह जल्दी उससे क्या अपने जल्दी आने से क्या हुआ हम आराम से हम लोग अपना सेट कर पाए क्योंकि जब कस्टमर चलते रहते हैं ना तो सेट नहीं करा जाता है जो थोड़ा बहुत जो भी माल था उसको हमने अच्छे से थोड़ा बहुत सेट कर दिया बाकी ऑर्डर दे दिया था आ रहे थे बार बार फिर उनको सेट कर रहे थे कल तो ऐसे ही थोड़ा पूरा दिन चलता रहा है और अच्छी लगी हमें मार्केट देखो पूरी भरी हुई है आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा इन बच्चों को देखो ऐसे बैठे हुए हैं बस ऐसे ही है थोड़े बहुत थक भी जाते हैं जब पूरा दिन बैठना पड़ता है तो
माता रानी जी मेरी, जय माता रानी की। तो इन्हीं की कृपा से ये काम शुरू हुआ है, नहीं तो भाई करने वाली तो वो बैठी हैं, जैसे कराएंगी करना पड़ेगा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने घर। पूजा करने के बाद अपने घर आ गए हैं, थके आ रहे हैं मेट्रो में, नहीं इतने नहीं थके हैं, फिर भी वहाँ पे हमने आराम किया था क्योंकि दुकान वालों ने दुकान संभाली और हमें बड़ा अच्छा लगा, अच्छी खुली है दुकान, पसंद आई हमें भी। मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने और मैं पूजा करूँगी थोड़ी देर में। देखो मेरी माता रानी भी जल्दीबाजी में सुबह सुबह, और उसके बाद मैंने फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी करा था तो घर थोड़ा ऐसे ही फैला पड़ा।